आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर एक्साइटमेंट आप लोगों में भी बहुत ज़्यादा होगा और मुझे लगता नहीं कि कोई भी उम्र का बंदा बचा होगा। छोटे बच्चों को भी देखा जा रहा था, बड़े बुजुर्गों को भी देखा जा रहा था, युवा तो खासतौर से बड़े क्रेजी थे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर। लेकिन हम सभी की उम्मीदें धराशायी हो गई, हम सभी की उम्मीदें अधूरी रह गईं। वर्ल्ड कप जीतने का सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सी ऐसी तस्वीरें इस वर्ल्ड कप में सामने आई हैं जो जिनके बारे में चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है और जो हमें हमेशा आगे आने वाले वक्त में भी याद रहेंगी। विराट कोहली जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेले हैं उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। चूँकि अभी मैं हार पर बात इस वीडियो में नहीं करूँगी, विराट कोहली को लेकर जो क्रेजीनेस है लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और विराट कोहली ने, जानते हैं, एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। विराट कोहली ने 19 घंटे 56 मिनट इस वर्ल्ड कप में बैटिंग करने का जो है वो रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ऐसा कोई और प्लेयर नहीं रहा जिसने इतना ज़्यादा घंटे बैटिंग की हो, 19 घंटे 56 मिनट ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड कप में। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक के बाद एक नॉनस्टॉप तरीके से 10 मुकाबले हमने जीते और उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई था, ऐसा लग रहा था कि 11वीं जीत भी हमारी होगी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हमारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जब विराट कोहली के इस परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने लगा तो वर्ल्ड वाइड बातें विराट कोहली को लेकर हो रही हैं। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर विराट कोहली से बात करते हुए या फिर उनसे उनकी साइन की हुई ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन तस्वीरों की बात हो रही है एक बेहतर प्लेयर के तौर पर, एक ऐसा प्लेयर जो देशों की जो सीमाएं हैं उन्हें भूलकर आगे एक प्लेयर के तौर पर अप्रिशिएट करने के लिए दूसरे देश के लोग सामने आते हैं, वो भी तब जब ऑपोजिशन में सामने वाला हो, यानी कि ऑपोजिट हमारा मुकाबला करने के लिए वो टीम हो। ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान से मुकाबले के दौरान भी सामने आई थी, उनकी भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। विराट कोहली जिस तरीके से उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है, लेकिन जब एक बार हार हो गई सभी की आंखें नम हो गई, उसके बाद ऐसा लगता है ना कि हर एक अवार्ड छोटा पड़ जाता है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल जाती तो फिर ये सभी जो अवार्ड मिल रहे हैं वो और ज़्यादा सोने पर सुहागा हो जाते और ज़्यादा चार चांद लग जाते इस जीत में। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, विराट कोहली गए भी लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, उन्होंने गए और फॉर्मेलिटी के तौर पर अवार्ड लिया भी और फिर वहाँ से वापस आ गए। साथ ही साथ विराट कोहली जिस तरीके से पसंद किए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि विराट कोहली जब जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि हम हार गए हैं या फिर पहले से मालूम हो जाता है, मुझे खुद को मालूम हो गया था, आप लोगों को भी मालूम हो गया होगा कि भाई 100 बॉल पर अगर 60 रन चाहिए या फिर 130 बॉल पर 80 रन चाहिए तो ये मालूम हो जाता है कि भाई सामने वाली टीम जीत गई है। उसके बावजूद खेलना और अपना 100% देना ये खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहता है। विराट कोहली ने भी इसे बखूबी निभाया और विराट कोहली, चूँकि टीम इंडिया के बारे में ही कहूँगी कि हम ट्रॉफी तो नहीं जीते लेकिन टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं अपने बेहतर एफर्ट्स के साथ उन्होंने दिल ज़रूर जीत लिया है। एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि कल की तस्वीरें हमने बहुत देखी और आपने भी बहुत अपना दिल दुखाया होगा, बहुत से लोग रो भी पड़े, बहुत से फैंस ऐसे थे जो एकदम ब्रोकन शैटर्ड महसूस कर रहे थे। एक तस्वीर है जिसमें सभी प्लेयर्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला ही, एक तो वहाँ पर अप्रिसिएशन मिली ही, लेकिन यहाँ जब पूरी टीम थी, पूरे क्रू मेम्बर्स थे, तो कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली की तारीफ़ करते हुए बताते हैं कि भाई बेहतर फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है और अब जिस तरीके से विराट कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है वो तारीफ़ काबिल है। और फिर विराट कोहली को बुलाकर उन्हें मेडल दिया गया और ये जो पूरी टीम थी ये एक तरीके से एक दूसरे को संभालती हुई, चेयर अप करती हुई नज़र आई। ये तस्वीर बहुत स्वीट भी है, यादगार भी ये तस्वीर रहेगी और इसे आगे मुझे लगता है कई सालों तक और आगे दशकों तक याद किया जाएगा कि बेहतरीन टीम थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी थी और बड़े अच्छे फॉर्म में चल रही थी, बावजूद उसके हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये कहावत आपने सुनी होगी, तो बस यही उम्मीद अब तो देशवासियों को है कि आगे हम वर्ल्ड कप का सपना पूरा ज़रूर करें और देशवासियों को 2011 के बाद जो सूखा है वर्ल्ड कप ट्रॉफी का वो पूरा हो, लेकिन उसके लिए तो अभी लंबा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल आप भी टीम इंडिया के हौसले को बढ़ाइए, सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा या भद्दा कोई कॉमेंट प्लीज़ मत कीजिए।